Hi guys, this is N. K. Rao from General Study Channel. Don't mugger, try to build up rational and logical study. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के आज हम लोग MCQ करेंगे जो, और उसके अलावा भी कुछ थ्योरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा. चलिए पहला क्वेश्चन बात करते हैं जी. संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन के परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, संपूर्ण जानकारी नहीं आएगा तो क्या हो सकता है जी? दुर्घटना हो सकती है. पहला का आंसर बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, निम्न से कौन सा दुर्घटना के कारण नहीं है? दुर्घटना के कारण कौन सा नहीं है जी? कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना. अनुशासनहीन होने से क्या हो जाएगा? दुर्घटना होगी. अधिक उत्सुकता होगा तो भी होगी जी. कार्य में रुचि न होना तो भी हो जाएगा. अधिक फुर्तीला होने से नहीं हो सकता जी दुर्घटना. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए डैश डैश करना चाहिए. क्या करना चाहिए? मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं जी, विद्युतमय तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगता है. झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाएगा या विद्युतमय तार से संपर्क में रहेगा? विद्युतमय तार के संपर्क में लाए व्यक्ति को बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे जी? तो पहले क्या करेंगे? उस व्यक्ति को विद्युतमय तार से पृथक करेंगे. आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. उससे विद्युतमय तार से पृथक करेंगे. क्वेश्चन नंबर फाइव आते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव बोला, एक विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से, विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है जी? क्या करना सुनिश्चित है जी? विद्युत उपकरण से विद्युत स्रोत में संयोजित करने के लिए क्या जरूरी है जी? तो फाइव का ऑप्शन देखिए, उपकरण सप्लाई देने योग्य है कि नहीं, उपकरण का धात्विक भाग है अर्थ. ठीक है जी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा फाइव का आंसर. क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं जी, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए. फ्यूज हमेशा किस में होता है जी? तो फेज तार में होना चाहिए, क्योंकि फेज तार जब डिसकनेक्ट होगा तो ही तो उसमें करंट नहीं लगेगा जी. तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? फ्यूज तार को बदलते समय ऑप्शन पढ़ते हुए, उपकरण स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उपकरण की इनपुट सप्लाई बंद करनी चाहिए, मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, मेन स्विच ऑन करना चाहिए. तो मेन स्विच क्या करना चाहिए जी? ऑफ करना चाहिए. सेवन का सी हो जाएगा जी. आठ नंबर आते हैं, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप, यदि हमें यदि सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए, हो गया. क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? फ्यूज तार को बदलते वक्त तो क्या करना चाहिए जी? मेन स्विच ऑफ करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर एट में आते हैं, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पर्दे को हटाना है, खराब पर्दे को हटाना है तो इस पे पंखे को हटाना है, तो इस स्थिति के हेतु में सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा जी? इस स्थिति में सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? लकड़ी के स्टूल पर खड़ा होना चाहिए, रबड़ के दस्ताने पहनना चाहिए, सिंगल पोल स्विच को बदलना बंद कर देना चाहिए, मुख आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए. तो क्या करना चाहिए? मुख आपूर्ति को क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए. तो आठ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. विद्युतकार के जूते डैश डैश के बने होते हैं. विद्युतकार के जूते किसके बने होते हैं जी? तो रबड़ के बने होते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन का ए हो जाएगा. देखिए, अगर प्लास्टिक का बना रहेगा तो क्या हो जाएगा जी? फिसलने की संभावना है जी. चमड़े की बना है, अगर मान लीजिए उसमें पानी आ जाएगा, भींग जाएगा तो क्या जाएगा? करंट लग जाएगा. इसलिए क्या हो जाएगा जी? रबड़ आंसर इसमें होगा करेक्ट. टेन, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण PPE की श्रेणी में आते हैं जी? PPE की श्रेणी में कौन आते हैं? चश्मा है, दस्ताने हैं, सुरक्षा पेटी है, ये सभी है. तो आंसर क्या हो जाएगा जी? सभी हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या आता है? चश्मा भी आता है, दस्ताने भी आते हैं और सुरक्षा पेटी भी आता है जी. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. इलेवन, कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? ढीला कपड़ा, टाई, मफलर, ये सब ही आता है जी. ढीला कपड़ा पहनिएगा तो भी क्या हो जाएगा? मशीन में साथ संपर्क में आ जाएगा. टाई भी, मफलर भी, ये सब क्या होते हैं? संपर्क में आ जाएगा जी. क्वेश्चन नंबर आते हैं ट्वेल्व. क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बोला है, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? तो दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय क्या होता है जी? ऑप्शन ए पड़ता है, सुरक्षा उपकरणों को पहनकर जॉब मशीन या कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों को पालन करना, अपने तरीके से कार्य करके, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करके.
दुर्घटना टालने के लिए सर्वोच्च उपाय क्या है जी? तो किसी कुशल कारीगर की तरह भांति काम करना है, बहुत जरूरी होता है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, वर्कशॉप या कार्यशाला में विद्युत शक्ति के विफलता सामान्यतः किसके कारण होती है? तो ये आपातकालीन स्थिति है जी, ऐसी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति है, क्योंकि विफलता से क्या हो सकता है, इमरजेंसी में होता है जी। लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है? लाल रंग की बॉर्डर और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किसके लिए जी है? तो ये आपको निर्देशात्मक होगा जी। 14 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, 14 का ये आंसर हो जाएगा। 15, सूचनात्मक संकेत का धरातल किस आकार का होता है? देखिए सूचनात्मक है, इन्फॉर्मेशन है, तो क्या होना चाहिए? ग्रीन हो जाए। और देखिए इसमें आकार पूछा है तो कलर नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब क्या जी? तो क्या होना चाहिए? वर्गाकार होना चाहिए, कि वृत्ताकार होना चाहिए, कि त्रिभुजाकार होना चाहिए, तो इसमें होता है वर्गाकार होता है जी। 15 का डी हो जाएगा। चित्र में किस प्रकार के सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है? तो देखिए ये रेड है, ये क्या जी? रेड है, उसे क्रॉस किया गया है, तो क्या है? निषेधात्मक है जी। क्या है? निषेधात्मक है। 16 का ए आंसर हो जाएगा जी। यहाँ पे वार्निंग दिया गया है जी, क्या है जी? ये बैन है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं जी, इनमें से सूचनात्मक सुरक्षा संकेत कौन सा जी? देखिए इन्फॉर्मेटिव कौन है जी? तो इन्फॉर्मेटिव देखिए इसमें कौन है जी, जो आपको वाइट बैकग्राउंड में रहता है या ग्रीन बैकग्राउंड में रहता है और वाइट से रहता है जी, वो होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जी, आपको बता रहा है कि जो पृष्ठभूमि कैसा है जी, बी वाले ऑप्शन में देखिएगा, बता रहा है कि पृष्ठभूमि कैसा है जी, सफ़ेद है, और जो स्क्वायर बना है लाल से है जी, और उस जो जो प्लस बना है क्या है जी, लाल से। तो क्या है जी मेरा? इन्फॉर्मेटिव है। क्या है? सूचनात्मक सुरक्षा है, इन्फॉर्मेटिव प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है। 17, 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जी। 18 नंबर क्वेश्चन बोला, चेतावनी संकेत चित्र को दर्शाए गए हैं, कौन सा प्रतीक खतरे के आशंका की प्रदर्शित करता है? तो डेंजर के लिए कौन है जी? पहला है जो रेड, क्या है रेड, उसका पृष्ठभूमि येलो पृष्ठभूमि होता है जी, और ये जो क्रॉस से काटा गया रहता है जो एक लंबी लाइन से दिख रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा जी। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह उदाहरण है, चिन्ह का उदाहरण है? निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण कौन है जी? तो विद्युत के झटके का खतरा, हेड प्रोटेक्शन पहनना, संरक्षात्मक तत्व, धूम्रपान निषेध। कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण? तो अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण कौन है जी? विद्युत झटके का खतरा, ये अनिवार्य है, क्योंकि 19 का बी होगा जी, हेड प्रोटेक्शन पहनना। अनिवार्य कौन सा है जी? विद्युत झटके का खतरा बोला है, कौन सा चिन्ह जो है अनिवार्य है? तो देखिए हेड प्रोटेक्शन पहनना क्या है जी? अनिवार्य है। धूम्रपान निषेध उतना अनिवार्य नहीं है, विद्युत के झटके का खतरा उतना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हेड प्रोटेक्शन क्या है? सेफ्टी के लिए जरूरी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 20 नंबर, संकेत संकेतों के द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा साधनों के प्रति आग्रह किया जाता है, कौन कौन से संकेतों के द्वारा कार्यशालाओं में अपनाए जाने वाले सुरक्षा के लिए है जी? तो क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेटिव होगा, क्या होगा? सकारात्मक होगा, सूचनात्मक होगा, सचेतात्मक होगा, निषेधशाली होगा। तो आंसर हो जाएगा 20 का, हो जाएगा जी बी, सकारात्मक। क्या जी? इन्फॉर्मेटिव दिए जाते हैं सुरक्षा के गाइडलाइंस। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूचनात्मक में जी इनकी पृष्ठभूमि, तो सूचनात्मक की पृष्ठभूमि कैसा होता है जी? हरी होती है, इनकी पृष्ठभूमि क्या होती है जी? हरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित चिन्हों का उचित मिलान कीजिए, तो उचित मिलान करना है जी, तो आप देख सकते हैं जी पहले में क्या किया गया है जी, देखिए अगर देखा जाए देखिए जी अगर देखा जाए तो प्राथमिक उपचार केंद्र कौन सा हो जाएगा? सी दिख रहा है जो हमको, ठीक है जी। जल से आग ना बुझाएं, जल से आग ना बुझाएं वाला दिख रहा है कि ये पानी जो ड्रॉप दिखा रहा है
उस पर क्रॉस किया है, तो वो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा सेकंड। धूम्रपान निषेध जो बी में है जी, आप वहाँ पर देख सकते हैं सिगरेट दिया है जी। और पहला में क्या है जी, पैदल निषेध है, मतलब वहाँ पर पैदल जाना अलाउ नहीं है पदयात्री को, तो पहला का क्या हो जाएगा जी, थर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, चेतावनी संकेतों से हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। बोल रहा है चेतावनी संकेतों में हरी पृष्ठभूमि होती है जी? नहीं, आपको इन्फॉर्मेटिव में होता है वो क्या होता है, हरी पृष्ठभूमि होता है जी। सेकंड में आते हैं, निषेधात्मक संकेतों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है जी। निषेधात्मक में सफ़ेद की जाती है जी? नहीं, आपको रेड किया जाता है जी। नहीं, सफ़ेद पृष्ठभूमि रहता है और रेड उसमें आकृति बनाई गई रहती है। तो आंसर क्या होगा, 23 का, 23 का सेकंड जो स्टेटमेंट होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को अवश्य किया जाना चाहिए? कौन सा चीज़ को अवश्य करना चाहिए जी? अनिवार्य चिन्ह, सूचना चिन्ह, निषेध चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, तो क्या आना चाहिए जी? सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देना कौन सा होगा जी, तो चेतावनी या निषेध हो सकता है, कौन सी होगी? चेतावनी होगी। 24 का आंसर आपको बी हो रहा है, अनिवार्य चिन्ह क्या है जी, मैंडेटरी जो है उसको क्या करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए जी। मैंडेटरी सिंबल्स है जी, कौन सा है, मैंडेटरी सिंबल्स, अनिवार्य है, नाम से ही पता चल रहा है कि अनिवार्य है जी, आवश्यक है। जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? तो जहर के खतरे के लिए कौन सा किया जाएगा जी, तो बी है, बी आप देख सकते हैं क्या जी, डेंजर का सिंबल है, बी क्या जी, डेंजर का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण ले खतरे को दर्शाती करता है? देखिए रेडिएशन का कौन सा सिंबल है जी, तो आप देख सकते हैं पहला में आग है, दूसरा में देख सकते हैं जी आपको, चलिए सी में आप देख सकते हैं जी क्या है, लेजर का है जी, और थर्ड में देख सकते हैं वहाँ पे वाईफाई बना है, तो क्या है जी, वो रेडिएशन का है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो विकिरण का खतरा कौन सा है जी, तो डी में आप देख सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, निम्न आकृतियों में से किस प्रकृति के सुरक्षा संकेत यहाँ दर्शाया गया है जी? तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए जी, एक JCB टाइप सा दिखाया गया है और उसका जो फर्क है वो क्या है जी, वो आपको उससे नुकसान पहुँच सकता है, क्या है जी, ये वार्निंग दिया गया है, क्या दिया गया होगा जी, वार्निंग दिया गया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, और सी आंसर है चेतावनी संकेत है जी। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, तेलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? तो लकड़ी का बुरादा करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, लकड़ी का बुरादा। 28 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं जी, पीरियड के अधिक खून बह जाने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए जी? तो घाव को दबाना चाहिए, पीड़ित से सीधे संपर्क से बचना चाहिए, दृढ़ता से साफ पैड और बैंडेज लगाना चाहिए, घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। देखिए अगर खून बह रहा है तो उस समय घाव पर दबा देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, खून रुक जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 29 का आंसर ए हो जाएगा जी। भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध होता है, देखिए भीगे हुए शरीर से क्या होता है, बहुत जल्दी करंट पास होता है, बहुत ज़्यादा करंट पास होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध शून्य हो गया है, तभी तो करंट ज़्यादा पास हो रहा है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 का, कम हो जाएगा, ठीक है ना, कम हो गया प्रतिरोध, क्या हो गया जी, कम हो गया है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है जी? तो आप देख सकते हैं जी, बोरोलिन है, बीटाडीन है, पेंसिलिन है, और इनमें से कोई नहीं है, तो कौन है जी, प्राथमिक ट्यूब कौन सी रखी जाती है, तो बीटाडीन रखी जाती है जी। कौन सी रखी जाती है, बीटाडीन एक प्राथमिक ट्यूब रहती है जी। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं जी, विद्युत सप्लाई में जो चिपक जाएगा उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे जी, तो स्वर के दस्ताने या सूक्ष्मी लकड़ी से करेंगे जी। देखिए रबड़ के दस्ताने बोल रहा है या सूखी लकड़ी से करेंगे, उसके हाथ से पकड़ कर करेंगे, गीली लकड़ी से करेंगे, लोहे की जरूरत से करेंगे, तो पाला हो जाएगा जी आंसर, क्योंकि सूखी लकड़ी रहेगा तो भी नहीं मारेगा, रबड़ का दस्ताना रहेगा तो भी ले सप्लाई नहीं मारेगा, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, जब करंट
बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब बहुत कम करंट रहेगा तो क्या रहेगा, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है और उसका वोल्टेज बहुत कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ी सी जलन होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 33 का बी हो जाएगा जी। तो यहाँ से देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं जी, बोल रहा है मिलान करने के लिए, 34 में मिलान करना है जी। सिर की सुरक्षा क्या है जी? सिर की सुरक्षा आपको पता होगा क्या होगा, हेयर नेट होगा जी। श्रवण की सुरक्षा के लिए क्या होगा जी? चलिए, श्रवण की सुरक्षा के नहीं मिला, एंकलेट्स होगा, ये क्या होगा। पैरों की सुरक्षा के लिए क्या होता है जी? गैस रिसेप्टर है। श्वसन की सुरक्षा के लिए, तो मैं आंसर इसका बता देता हूँ, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी सिर की सुरक्षा के लिए क्या होता है जी, हेयर नेट होता है। बी, श्रवण की सुरक्षा के लिए क्या होता है जी, तो मफ होता है। क्या होता है? मफ होता है जी। सी में क्या है जी, पैरों की सुरक्षा के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, एंकिलेट्स होते हैं जी। डी, श्वसन की सुरक्षा के लिए क्या होता है जी, तो गैस रिसेप्टर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है, आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है जी। आपातकालीन प्रतिक्रिया, देखिए आग पकड़ना क्या है जी, आपातकालीन होता है, एकाएक होता है। शक्ति विफलता क्या होती है जी? शक्ति विफलता तो एक साथ नहीं होता है। अच्छा, प्रणाली विफलता, कारीगर विफलता, देखिए बोल रहा है आपातकालीन प्रतिक्रिया का प्रकार नहीं है, आग पकड़ना है, शक्ति विफलता एक ही साथ हो सकता है जी, प्रणाली विफलता हो सकता है, कारीगर विफलता एक साथ नहीं होता। कारीगर क्या होता है जी, बहुत पहले से ही जनरेट किया गया रहता है, तो ये आपातकालीन नहीं है जी, ये क्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है जी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो झटके लगे व्यक्ति को कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए, तो ये कोई भी नहीं पिलाना चाहिए जी, ना ही चाय पिलाना चाहिए, ना पानी पिलाना चाहिए, ना कॉफ़ी पिलानी चाहिए जी। कृत्रिम श्वास क्रिया में सरलतम विधि क्या है? कृत्रिम श्वास क्रिया के लिए देखिए, सिल्वेस्टर विधि होता है, सेफर विधि होता है, मुँह से मुँह श्वास देना होता है जी, ये सभी है विधि। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें बोल रहा है कृत्रिम कौन है जी, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि क्या है? अच्छा, सरलतम पूछ रहा है, तो सरलतम क्या हो जाएगा जी, इसमें सरलतम होता है मुंह से मुंह श्वास देना होता है जी, सबसे आसान होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला, निम्न में से किस विधि से पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसके पीठ के नीचे तकिया लगाते हैं जी? पीठ के बल लिटाएंगे तो कौन सा जी, सिल्वेस्टर विधि होगा, क्योंकि देखिए सिल्वेस्टर विधि तब अपनाते हैं जब क्या हो जाता है, चेस्ट में क्या होता है जी, जब छाले वाले पड़े होते हैं तब हम सिल्वेस्टर विधि का अपनाते हैं, और उसमें क्या किया जाता है, पीठ के बल उसको लिटा दिया जाता है और उसके पीठ के नीचे तकिया लगा के क्या किया जाता है जी, सिल्वेस्टर विधि से हवा भरी जाती है जी, जिससे उसका नॉर्मल जब भी, और ये आपको 8 से 12 बार क्या किया जाता है जी, 1 मिनट में किया जाता है, जिससे वो नॉर्मल उसका श्वसन प्रक्रिया से जब श्वास लेने लगता है नॉर्मल स्थिति में, तो उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है जी, इस प्रक्रिया को। चलिए, 39 में आते हैं जी। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले होने पर निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वास विधि अपनाई जाती है जी? कौन सी कृत्रिम श्वास, देखिए पीठ की तरफ छाले पड़े हैं, पीठ की तरफ छाले पड़े हैं, इसका मतलब क्या जी, पीठ की तरफ नहीं हो सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पीठ को ऊपर रखना पड़ेगा, तो पीठ को ऊपर रखेंगे तो कौन सा विधि हो जाता है, सैफर विधि हो जाता है। कौन सा विधि हो जाता है जी, सैफर विधि हो जाता है। तो इस तरह लॉजिक बना के जब तक याद कीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए। चलिए, कृत्रिम श्वसन का सैफर विधि का 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो एक मिनट में कितनी बार दोहराना चाहिए जी, तो 12 से 15 बार। 1 मिनट में कितनी बार, तो 12 से 15 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन सबको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर, सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित की पीठ के बल लिटाया जाता है। सिल्वेस्टर में पीठ के बल लिटाया जाता है, सही बात है जी। सैफर विधि में पीड़ित को पीठ के बल से ही लिटाया जाता है, नहीं जी। सैफर विधि में किसके बल से लिखाया जाता है, तो पेट के बल लिटाया जाता है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कथन कौन सा सही हो जाएगा, तो कथन आपको पहला सही हो जाएगा जी, केवल फर्स्ट होगा।
चलिए।